हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल वेट सक्सेस पर। और दोस्तों, आज आपके लिए लेटेस्ट जॉब अपडेट निकल के आता है यूपी लेखपाल की भर्ती की तरफ से। दोस्तों, यूपी में 4000 लेखपाल की वैकेंसी के ऊपर भर्ती आने वाली है और जिसका सभी लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, कल ही यूपी लेखपाल के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट अपडेट हुआ है जिसमें बताया गया कि कब से यूपी लेखपाल की भर्ती शुरू होगी। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें ये भी बताया गया कि लेखपाल की भर्ती में ट्रिपल सी अनिवार्य है या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सभी डाउट क्लियर करने वाला हूँ और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसलिए आप वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबा दी ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, ये अपडेट हुआ है परसों यानी कि मंगलवार के न्यूज़पेपर में 21 तारीख को ये अपडेट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और लेखपालों के रिक्त पद जल्द भरें। और यहाँ पर लिखा है, सीएम ने लेखपालों को लैपटॉप और स्मार्टफोन देने के काम में तेजी लाने के ये निर्देश दिए। दोस्तों, यहाँ पर जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार और लेखपालों की भर्ती एक साथ ही होने वाली है इस बार, और इसमें लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। यानी कि भर्ती में यहाँ पर इसमें आर्टिकल में नीचे लिखा है कि 1 महीने के अंदर ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, सेप्टेम्बर के सेकेंड वीक तक भर्ती शुरू हो जाएगी। 4000 या फिर ज़्यादा उससे 5000 के बीच में इसमें पद होने वाली है लेखपाल की भर्ती में। तो दोस्तों, इसमें यही यहाँ पर यही पता चलता है कि सितंबर के सेकंड वीक तक भर्ती शुरू होने के 100% चांस है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल था वो ये था जिसमें ट्रिपल सी के बारे में बात कही गई है। ये लिखा है, लेखपाल भर्ती के लिए कंप्यूटर ज्ञान जरूरी। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता दूं, यहाँ पर लिखा है, समाजवादी सरकार से लेखपाल के पदों पर भर्ती का अधिकार राजस्व परिषद के पास था। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद उच्च स्तर पर राजस्व परिषद ने इन भर्तियों का अधिकार लेखपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देने का विचार हुआ। राजस्व परिषद ने इसके आधार पर प्रस्ताव बनाते हुए मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेजा। वहां से इसमें कुछ जरूरी संशोधन के साथ लेखपाल पद की अर्हता के साथ कंप्यूटर की जानकारी होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि लेखपाल के पदों के लिए कंप्यूटर की जानकारी होना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, तभी आप लेखपाल का फॉर्म भर पाओगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है, लेखपाल पद की अर्हता के साथ कंप्यूटर जानकारी होना अनिवार्य कर दिया गया है। और दोस्तों, साथ ही यहाँ पर पता चल गया कि इस बार भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। ये मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया क्योंकि मैं आपको लेखपाल की भर्ती के रिगार्डिंग अपडेट देता रहता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पता चल गया कि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमारे पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, भर्ती करीब सितंबर के सेकंड या थर्ड वीक तक स्टार्ट हो जाएगी, 99% चांस है। इसलिए अगर आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अभी ट्रिपल सी सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जो लेखपाल का विज्ञापन जारी होगा, ऑफिशियल नोटिस जारी होगा भर्ती के रिगार्डिंग, उसमें डेट दी जाएगी कि आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए लास्ट डेट से पहला। यानी कि उसमें डेट दे देंगे कि इससे पहले का आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपने के पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ट्रिपल सी सर्टिफिकेट के लिए अभी अप्लाई कर दो, क्योंकि आपका 1-1.5 महीने के बाद इसका पेपर हो जाएगा और उसके 20 या 25 दिन बाद आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, तो आप फॉर्म भर पाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन थी। मैंने आपको बता दिया कि ट्रिपल सी इस बार अनिवार्य है और भर्ती करीब सितंबर के सेकंड या थर्ड वीक से स्टार्ट हो जाएगी। कल परसों अपडेट हुआ है, आप कहीं पर भी जाकर देख सकते हैं, आपको न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। दोस्तों, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।